Hi guys, my name is Kandi Soni. I am fashion choreographer and model trainer and school of modeling. मैं आज आपको रैम मॉडलिंग सिखा रहा हूँ, कुछ बेसिक स्टेप्स बॉयज के और गर्ल्स के कि कैसे रैम मॉडलिंग घर बैठे आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बॉयज की वॉक का मैं बताऊंगा। बॉयज की वॉक को बुल वॉक कहते हैं और गर्ल्स की वॉक को कहते हैं कैट वॉक। तो मैं आज आपको बॉयज की वॉक का बेसिक बताऊंगा कि किस तरीके से बॉयज की वॉक को आप घर बैठे सीख सकते हैं और कैसे फॉलो कर सकते हैं। राइट राइट, दिस इज लाइक ग्रैब स्टेट, बॉडी स्टेट होना चाहिए आपका। थोड़ा सा आप गैप मेंटेन करेंगे बॉडी के अंदर और पैर के अंदर स्टेट होना चाहिए और आपका पूरा बॉडी का वेट जो है वो आपका राइट पर होना चाहिए और लेफ्ट के खर का सा आपका आगे होगा वेट। सो आप शुरू लाइक दिस पोजीशन स्टेट पॉइंट, उसके बाद में आप स्टार्ट द लेफ्ट लेग। आप उल्टे पैर से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट उल्टे पैर से होना चाहिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए। अब मैं वॉक स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट द लेफ्ट लेग। 1 स्ट्रेट बॉडी होना चाहिए आपका, एकदम स्ट्रेट लाइक दिस इज स्टैंडिंग पोजीशन। जब आप हिप पॉइंट पर आते हैं जहां पर मैं रैम फिनिश हो जाता है उसे हिप पॉइंट कहा जाता है और मैं स्टैंडिंग पोज से कहा जाता है। आप हिप पॉइंट पर स्टैंडिंग पर मैं खड़ा हूं, उसके बाद में लेफ्ट लेग मेरा हल्का सा आगे है और इसको कहते हैं स्टैंडिंग पोज। और इसके बाद में नेक्स्ट पोज देने जा रहा हूं। लेफ्ट लेग को आप फिर से बराबरी से लेकर आएंगे और राइट लेग को आप उतना ही आगे रखेंगे जैसा लेफ्ट से था। दिस इज फर्स्ट पोज एंड 1 एंड 2, ठीक है। लेट्स अगेन, दिस इज स्टैंडिंग पोज एंड 1 2 3 एंड 4, दिस इज पोजेस, टू पोजेस। अब मुझे पीछे जाना है तो मुझे उल्टे पैर का ही यूज करना होना चाहिए। ये मैं टर्न किया, ये जा रहा हूं मैं, उसके बाद मैं आगे मुझे टर्न करना है तो भी लेफ्ट लेग का यूज होना चाहिए। 1 2 एंड 3, दिस इज स्टैंडिंग पोज, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको गर्ल्स की वॉक का बारे में बताऊंगा कि गर्ल्स की वॉक का कैसे होता है। गर्ल्स की वॉक का कैसे होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि मैं जैसे ये वाला पैर आपका क्रॉस होना चाहिए और ये वाला पैर जो है स्ट्रेट होना चाहिए, जो लाइन बना हुआ है उसी पर पैर आना चाहिए। और दिस इज स्टैंडिंग पोज गर्ल्स। जो हैंड्स है आपके फिंगर्स पूरे चिपके होना चाहिए और आप कमर पे हाथ रख रहे हैं इस तरीके से और ये वाला जो हैंड है पीछे की तरफ होगा और ये वाला हैंड होगा जो बाहर की तरफ होगा। और दिस इज स्टैंडिंग पोज लाइक दिस इज नीज एंड चिन एंड नोज लाइक वन स्ट्रेट, एक ही लाइन को होना चाहिए। उसके बाद में कर रहा हूं दिस इज स्टैंडिंग पोज गर्ल्स स्टैंडिंग पोज। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको किस तरीके से आपको वॉक करना होगा। स्टार्ट द लेफ्ट लेग होना चाहिए। जब आप वॉक करेंगे तो आपके कमर पे हाथ नहीं होंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज स्टैंडिंग पोज एंड दिस इज वॉक। 1 2 3 लाइक दिस इज बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए आपका, सामने फिंगर्स की तरफ होना चाहिए। 1 2 एंड 3, दिस इज स्टैंडिंग पोज। अब इसके बाद में ये हिप पॉइंट पर स्टैंडिंग पोज, उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद में नेक्स्ट पोज क्या होना चाहिए। 1 and 2, this is 1 pose, and 2 and 3, this is second pose, and next is chin, and 1 and 2, turn करने के लिए मुझे ये turn किया मैंने, hands proper किया, अलग से standing pose। इसी तरीके से girls की walk और boys की walk की जाती है। मैं आपको और भी आगे काफी सारी चीजें सिखाऊंगा तो आप उसे फॉलो करते रहिए। यूट्यूब पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं आपको घर बैठे मॉडलिंग की और भी काफी सारे टिप्स बताऊंगा और शेयर करते रहूंगा आपसे। तो ऑल द बेस्ट गाइस एंड न्यू फ्रेशर्स मॉडल्स एंड न्यू मॉडल्स, तो प्लीज आप उसे फॉलो करें, आप घर बैठे एक अच्छी केपॉप गुड पॉप सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।